नेक्स्ट है बेड, और ये तो आपको आता ही है क्योंकि आप तो सोते हैं बेड पे, तो हम इसके स्पेलिंग करते हैं बी ई डी बेड, ब एड बेड। नेक्स्ट है बेल। प्रेप क्लास जब आपको छुट्टी होती है तो आप बेल की आवाज़ को सुन के ही बाहर जाते हैं क्लास से, तो वो ऐसे की बेल होती है, तो इसको क्या कहते हैं बेल, बी ई डबल एल बेल, ब एल बेल। तो प्रेप क्लास आप जब भी ये पिक्स देखें, आपसे कोई भी पूछे या बाहर पे आप ये चीज़ें देखें, तो आपको पता हो कि इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप दरख्त पर ये नेस्ट बना हुआ देखें तो आप इसको घोंसला भी कहें और साथ में कहें इसको इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं। तो हमारा ये पेज नंबर 5 आज कंप्लीट है, तो आपने इसको ऊपर से भी पढ़ना है ई का साउंड, और नीचे वाला भी जो न्यू वर्ड्स हैं वो भी अच्छे से रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं, और साथ में अपनी इंग्लिश की बुक का काम भी करना और नोटबुक का भी करना है। थैंक यू।